सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो आज हम हिंदी में एक नई कविता करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ और मैं आशा करती हूँ आपको वो कविता पसंद आएगी। तो वो कविता है तितली रानी फूल फूल से रंग चुरा कर अपने पंख सजाती हो, जब इसे चाव पकड़ने झट से वो उड़ जाती है। तितली रानी फूल फूल से रंग चुरा कर अपने पंख सजाती हो, जब इसे जाओ पकड़ने झट से वो उड़ जाती है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप इस कविता का अभ्यास करेंगे और हम अब आज की गतिविधि करेंगे, वो क्या है। जी हाँ बच्चों, जैसा मैंने आपको कल बताया था, अंग स्वर को लिखना सिखाया था। तो अंग से हम पहले एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। अंग से अंडा, अंग से अंक, अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी। तो अब हम इसे लिखने का अभ्यास करेंगे। तो जिन बच्चों के पास अक्षर ज्ञान की किताब है वो कृपया करके इस किताब को निकाल लेंगे और पृष्ठ संख्या 13 को खोल लीजिए और उस पर आज आपको अंग लिखना है। तो हमने अंग कैसे लिखना है, तो ये इस तरह की 5 लाइनों वाली आपको नोटबुक लेनी है जिनके पास हिंदी की किताब नहीं है। और हम ये जो पहली नीली रेखा है वहाँ से शुरू करेंगे बच्चों। तो हम कैसे लिखेंगे, हमें बनाना है पहले एक आधा गोला, फिर हमने बनाया एक और आधा गोला, हमने बनाई एक बड़ी रेखा, हमने बनाई एक खड़ी रेखा और ऊपर में हमने एक शिरोरेखा बनाई, जो एक छोटी सी शिरोरेखा बनेगी। वो शिरोरेखा ज़्यादा लंबी नहीं होगी, वो बस खड़ी रेखा के ऊपर बनेगी और उसके ऊपर हमने लगानी है एक छोटी सी बिंदी। तो ये हमने बनाया अंग। तो बच्चों, आपको इसको पूरा करके अपने काम को मैम के साथ शेयर करना है, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।